चलो भाई अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं जो काफ़ी सुंदर देखो भाई, काफ़ी भीड़ भी हो रही है पीछे मंदिर में, बहुत लोग आ रहे हैं अभी, सुबह का टाइम है तो बहुत। ये देखो भाई मंदिर के अंदर का व्यू, वाह यार भाई देख रहे यार भाई इतना सुंदर ये मंदिर लगा ना भाई, मत बोलो लेकिन भाई। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता। तो काहो करे जा कहलवा तुम्हार, उम्मीद करते भाई अब सभी लोग बढ़िया होंगे, आगे की बढ़िया बढ़िया रहना। तो भाई बहुत समय बाद हम लोग जा रहे हैं भाई श्री स्वामीनारायण टेम्पल, हमने देखकर समझ ही गए होंगे आप, तब भी मैं बता दे रहा हूँ जा रहे हैं श्री स्वामीनारायण टेम्पल, क्योंकि भाई बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही विराट मंदिर है भाई। बहुत दिन से भाई प्लानिंग चला था ये मंदिर जाएंगे ब्लॉग बनाने, तो आज हमने समय निकाला है, आज हम लोग निकाले जा रहे हैं, मंडे है आज। तो देखो भाई अभी मॉर्निंग के 7 बजे है, अभी सनसेट भी हुआ ही है जस्ट, तो हम सुबह सुबह निकल चुके हैं ब्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि भाई वो मंदिर 12 बजे बंद हो जाती है। तो चलो भाई मिलते हैं ब्लॉग में, आगे पूरा डिटेल देंगे भाई कैसे जाना है मंदिर, और पूरा रिव्यू देंगे उस मंदिर के बारे में। चलो भाई मिलते हैं आगे ब्लॉग पे। चलो भाई हमको संगे संग बस मिल गया था भाई, इसीलिए बस में ब्लॉग बना नहीं पाए, लेकिन भाई फाइनली भाई हम लोग मंदिर पहुंच चुके भाई। ये देखो हमारे ठीक पीछे भाई मंदिर है, चलो भाई मिलते हैं मंदिर के अंदर, चलते हैं मंदिर के अंदर भी दर्शन करते हैं राम भगवान जी का। चलो भाई मिलते हैं आगे मंदिर से। जितना सोचा था ना भाई उससे काफ़ी बड़ा है भाई मंदिर, भाई देखोगे ना आप लोग पगला हो जाओगे यार। दिखाते आपको मंदिर दिखाते हैं, ये देखो यार काफ़ी बड़ा जगह में फैला हुआ है मंदिर भाई, देखो काफ़ी बड़ा जगह में फैला हुआ है भाई, इतना खूबसूरत मंदिर है ना भाई, मत बोलो माइंड ब्लोइंग यार, सब पर मूड फ्रेश हो गया यार, मजाक नहीं सही में भाई, आओ यार यही जगह विजिट जरूर करना भाई, मैं भाई रास्ता बता दूंगा लास्ट में वीडियो के एंड में भाई, जरूर विजिट करना भाई। क्या ही भाई मेरी नज़र तो हटी नहीं थी भाई, इतनी खूबसूरत मंदिर है भाई, मत बोलो माइंड ब्लोइंग मंदिर है यार, मैं तो भाई पूरे 2-3 घंटे ही मंदिर में घूमने वाला हूँ भाई। चलो आपको ही घुमाते हैं मंदिर में, देख लो भाई क्या ही बड़ा मंदिर है भाई, कितना सुंदर लग रहा है यार। अभी मंदिर का मेन गेट बाकी है, इतना सुंदर मतलब इतना काफ़ी बड़ा मंदिर है यार, मजाक नहीं वो अच्छा लग रहा है यार। चलो भाई अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं, जो काफ़ी सुंदर देखो भाई, काफ़ी भीड़ भी हो रही है पीछे मंदिर में, बहुत लोग आ रहे हैं अभी, सुबह का टाइम है तो बहुत लोग आ रहे हैं। चलो भाई मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं फिर भाई। ओ भाई 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 क्या बोलूँ यार, इतना सुंदर मंदिर भाई, इतना कोलकाता में भाई इतना खूबसूरत मंदिर भाई मेरे को पता नहीं था। थैंक्स फॉर माई मॉम एंड डैड मुझे बताने के लिए कि जाओ यार वहाँ ब्लॉग बना, वहाँ बहुत अच्छा मंदिर है भाई, देख रहे हैं भाई टेंशन मत लो भाई, मैं एक सिनेमेटिक शॉर्ट्स भी लूँगा मंदिर के ऊपर भाई। अब मंदिर के अंदर प्रवेश करने वाले भाई, दिखाते हैं मंदिर का व्यू, बहुत सुंदर भाई आंखों से तो भाई विश्वास नहीं होता, सुंदर मंदिर है यार यार। तो भाई फटाफट जूता खोल लेते हैं हम लोग, फटाफट फिर चलेंगे मंदिर के अंदर भाई। ये देखो सामने हमारे मंदिर है, अरे आराम से आंटी आराम से भाई, इतना सुंदर ये मंदिर लगा ना भाई, मत बोलो लेकिन भाई अंदर तो भाई वीडियो नहीं कर सकते, अंदर वीडियो करना मना है, प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन भाई आओ भाई मंदिर विजिट करो भाई, तभी मैं कहीं ना कहीं ट्राई करता हूँ वीडियो करने का, लेकिन यहाँ तो करना मना है भाई, लेकिन भाई क्या ही सुंदर मंदिर है, अगर अंदर एक बार आ गए भाई तो एक मन आपका खुशी से मतलब पागल हो जाएगा भाई, इतना सुंदर अंदर का नज़ारा है भाई, मत बोलो क्या सुंदर मूर्ति है भाई। अगर ये घूम लिए मतलब छोटा अयोध्या मंदिर आप घूम लिए भाई, कितना सुंदर है भाई, देख लीजिए ये ना देख रहे हो भाई, तो वो दिखाते हो मंदिर कभी आपको, ये देखो भाई भाई बहुत खूबसूरत मंदिर है भाई, बहुत
इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आके ना, मत बोलो बहुत अच्छा। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हैं बाहर बाहर से घूमने के लिए मंदिर में, खाते का मंदिर का पूरा भी दिखा रहे, पूरा बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन अंदर भाई मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करना मना है, तो आपको अंदर का पूरा भी दिखाते हैं आपको। यार भाई देख रहे हैं यार, क्या सुंदर है भाई। बहुत सुंदर बन गया भाई, बहुत सुंदर, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ आके, मत बोलिए कि आप पे तो यार, मैं तो वो विश्वास नहीं कि इतना सुंदर मंदिर कोलियर में था, पता ही नहीं था पहले यार, तो पहले ही वीडियो ब्लॉग लगाते हैं हम। अंदर भाई देखो भगवान जी का, श्री राम जी का पूजा हो रहा है अंदर। लो भाई मंदिर के बाहर निकल गए आप, मंदिर के बाहर का, मंदिर के अंदर का तो बहुत अच्छा व्यू था। ये भाई नीचे में जो था वो मंदिर था, मतलब राम जी का, और जो जो थे मतलब बड़े बड़े महात्मा जो थे, जो संत थे, वो लोग का मूर्ति अंदर में था भाई। लेकिन भाई ये मंदिर, इसके ऊपर भाई श्री राम जी का बहुत बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति है भाई, इसके अंदर जाओ तो भाई मज़ा आ जाए। लेकिन भाई इसके अंदर वीडियो करना मना किया जा रहा है, पता नहीं क्यों, शायद पता है शायद कोई वजह से मना किया गया होगा। ये देखो भाई मंदिर के अंदर का व्यू, बहुत मतलब पैरी करने के बाद मंदिर के अंदर का व्यू मिला है भाई, बहुत मुश्किल थे, पर मंदिर के अंदर व्यू देख सकते हो भाई, इतना ही सुंदर मनमोहक है भाई, बोल तो रहे इतना सुंदर है। तो चलो भाई मंदिर के अंदर का तो व्यू दिखा दिया आपको, अब मंदिर के इर्द गिर्द का जो दिखाते हैं व्यू आपको, क्योंकि तो यहाँ पर काफ़ी सारे गार्डन है, रेस्टोरेंट है, बहुत सारे गौशाले वौशाले बहुत यहाँ पर है, और चलिए वो चीज़ भी आपको दिखाते हैं मंदिर का, कितना मतलब मंदिर का पूरा एक राउंड मारेंगे, आपको दिखाएंगे कैसा मंदिर का अंदर का व्यू है। चलो भाई मिलते हैं आगे इस मंदिर के अंदर, तो देख सकते हो भाई ये सब क्या सुंदर सुंदर, मतलब एक गली टाइप का है यहाँ पर ही, इससे लेके पूरा लंबा यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो पूरा हम एक राउंड यहाँ से यहाँ मारेंगे, देखेंगे। यहाँ पर बताया गया यहाँ पर बहुत सारा ऐसा कुछ जो है ये देखने में बहुत मज़ा आने वाला आपको, यहाँ पर गौशाला वाला सब कुछ यहाँ पर ही है। चलिए दिखाते हैं आगे भाई, इसमें मतलब जितना भी काम किया गया है ना भाई, बहुत सुंदर काम किया गया है, बहुत सुंदर काम किया गया है मंदिर में। ये मंदिर भाई इतना बड़ा लगा मेरे को, इतना अच्छा लगा कि क्या बोलूँ भाई, बहुत सुंदर। देखो भाई वहाँ से जाने आने रास्ता बहुत जगह अभी बंद करके रखा गया है, देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रवेश निषेधन, बहुत जगह बंद किया गया, जहाँ बहुत जगह करना अलाउ नहीं, जहाँ अलाउ नहीं है आम पब्लिक को। कितना सुंदर लग रहा भाई, देख रहे भाई कितना सुंदर डिज़ाइन, इतना सुंदर सुंदर डिज़ाइन दिया गया है, तो लग रहा ना यहाँ पर वाटर होता है वाटर, फिर अभी वाटर नहीं है। हाँ भाई यहाँ से वाटर निकलता है, ये देखो भाई वहाँ छोटा छोटा मुँह में ये भी है, होल भी है छोटा छोटा मुँह में, वहाँ से वाटर निकलता है भाई। लेकिन कितना सुंदर लगा भाई, यहाँ वाटर आता है ना भाई, बहुत सुंदर दिखने लगता है, बहुत सुंदर। अभी फिलहाल वाटर बंद करके रखा है, शायद शाम को सीखा ऑन हो, शाम का भी इसका व्यू भाई बहुत सुंदर है, सुनिए लाइटिंग है, बहुत सुंदर लाइटिंग लगा हुआ है। तो भाई ये वीडियो में भाई अगर आपको अच्छा लगा तो भाई प्लीज़ भाई 1K लाइक पहुँचा दो यार, 1K व्यूज़ है, 1K लाइक पहुँचा दो यार प्लीज़ भाई, बहुत मेहनत करता हूँ भाई आप लोगों के लिए, नया नया हर बार सोचता हूँ मैं नया नया ब्लॉग लाऊं। तो भाई हम लोग कुछ दिन में हम लोग का उज्जैन जाने का भी प्लान बन रहा है, मजाक नहीं भाई सही बोल रहा, कुछ दिन बाद हम लोग उज्जैन जाने का प्लान बन रहा है, उज्जैन 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 भाई, तो उसके ब्लॉग जल्द आने वाला है, अभी टाइम है भाई, इसीलिए छोटा मोटा जो मंदिर से मंदिर कवर कर रहे वीडियो में। तो भाई पूरा मंदिर का रिव्यू कर दिया, अब जाना कैसे आना कैसे वो भी बता देते हैं भाई, सिंपल सी बताया, बस से आना चाहते हैं तो हम तो माजार से बस धरे 235 पकड़ना भाई, डायरेक्ट आपको इस मंदिर के पास उतारेगी मतलब बस ये वाला, और पूरा यहाँ से टेंशन की बात नहीं, 15 रुपये भाड़ा है बस से, यहाँ से ज़्यादा भाड़ा भी नहीं। अगर आप मेट्रो से आते हो भाई, मेट्रो से तो अभी माजार से मेट्रो बन गया है, चालू होने वाला कुछ दिन में, तो वहाँ से आपको उतरना पड़ेगा जोका, और जोका से भाई 5 किलोमीटर दूर है, तो कोई फ़ायदा नहीं भाई जोका से मतलब मेट्रो से, बस से आने में आपका बहुत प्रॉफिट हो सकता है, समय भी बचेगा आपका। तो भाई इस मंदिर खुलने का टाइम है भाई सुबह में 7 बजे से लेके 12 बजे तक, आज शाम को टाइम है भाई खुलने का 6:30 बजे से लेके रात 8 बजे तक। सच बताऊं भाई मुझे तो भाई इस मंदिर में आके भाई बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अलग खुशी फील हुआ भाई, इस मंदिर में आओ यार अपने फैमिली के संग आओ, कुछ टाइम स्पेंड करो फैमिली संग अपना भाई, भाई मंदिर के बारे में जितना बताऊँ भाई उतना कम सच पड़ेगा भाई, फैमिली संग आओ इस मंदिर में, मैं बता दिए कहाँ जगह है कहाँ जगह नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में मैं मैप का लिंक भी दे दूंगा, तो जरूर इस मंदिर को चेकआउट करो गाइस। तो अगर भाई आपको वीडियो जरूर से अच्छी लगी भाई प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो भाई जय हिंद जय भारत।